ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दबंगों के द्वारा टूल टैक्स पर तैनात कर्मचारियों के द्वारा जब वाहन चालक से टूल टैक्स के पैसे मांगे गए तो दबंगों को पैसे महंगा मांगना इतना नागवार गुजरा कि दबंगों ने लाठी डंडों से टूल कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि टूल कर्मचारियों को उपचार के लिए दादरी सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टूल कर्मचारियों ने जब पैसे मांगे तो दबंगों ने टूल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। तो ये तस्वीरें भी उस वक्त की निकलकर सामने आई है जब दबंगों ने टूल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि टूल कर्मचारी को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है।